सब्सक्राइब करें लर्निंग इज लाइफ यूट्यूब चैनल को, बेल का घंटी दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो गाइस, जैसे कि आपने देखे हो कि जोमेटो ने लॉन्च किया है अपने डिलीवरी बॉयज के लिए एक नया डिलीवरी बैग। जोमेटो का जो नया डिलीवरी बैग के लिए जो एक्सपीरियंस है अपने डिलीवरी बॉयज के साथ, ये कहीं ना कहीं कभी भी बिखर गया है। तो मैंने देखा है, मैंने लास्ट टाइम जो है जोमेटो का प्रीमियम जो बॉक्स था उसको मैं इंस्टॉल किया था। उसके बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे आप कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके जरूर से चेकआउट कीजिए। उसका एक्सपीरियंस कैसा लगा और बैग बॉक्स कैसा था, मेरे साथ क्या दिक्कत हो रहा था। तो ऐसे में गाइज आज मैंने देखा कि एक बंदा जो कि एकदम मतलब पहले वाला बंदा है जो कि बेंगलोर में है और उसके पास है जोमेटो का प्रीमियम और एक फूड बॉक्स। ठीक है, तो प्रीमियम फूड बॉक्स अमेरिकन ट्विस्टर की तरफ से है। जैसा कि बिरन भाई बता रहा था, उस बॉक्स का वो जो बैग है उस बैग का रेट मिनिमम से अगर आप खरीदने जाओगे तो 4-5 हज़ार के करीब करीब लग जाएगा। मगर वो जोमेटो आपको वो बैग दे रहा है, बट शर्त यह है कि आपको 500 रुपये आपका जो बैंक का पेमेंट है वो इस पेमेंट से 500 या फिर 550 रुपये कट जाएगा, तभी जाके उस बैग को आपको घर में आ सकता है। अगर आप आपका एड्रेस दे दोगे तो आपका घर में वो डिलीवरी हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आज देखा पहली बार उस बैग को, ऐसे में मेरे साथ रहा नहीं गया, पेट का जो खाना था वो हजम नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप पहले फोटो में देखे हो, ये भी जो बैग है ना कहीं एक तरम सा है, मतलब ये भी सही से बोलो तो फिट नहीं होता है, मतलब उतना मज़ा तो नहीं आता है। जो मज़ा एक बैग के अंदर है, जो भी जोमेटो डिलीवरी का जो बैग है उसमें जो मज़ा है, इसमें भी उतना मज़ा नहीं है। क्योंकि ये भी इतना एक तरीके से देखोगे थोड़ा सा हार्ड टाइप का प्लास्टिक लग रहा है मुझे। ठीक है, साइड में देखोगे, साइड में अगर आप मतलब प्रेस करके देखोगे तो हार्ड टाइप का प्लास्टिक बॉक्स ऐसा लग रहा है। दूसरी बात है कि उसके पीछे भी आपको बैग के लिए जो आपको बैग पैक पीठ में रखने के लिए जो यहाँ पे स्ट्रिप वगैरह रहता है वो भी है उसमें। बट ठीक है इसकी आप उसको लेके घूम नहीं सकते हो, आपको गाड़ी के ऊपर उसको ठीक से टाइट करके बांधना ही पड़ेगा। मैं मानता हूँ उसके अंदर का जो खाना है, जो भी फूड वगैरह है, वो अच्छा से रहेगा, क्योंकि उसके अंदर सा खाना गर्म रहने के लिए इंसुलेशन है, सबका बंदोबस्त जरूर है। ऊपर की तरफ आपको दिखने में आता है अमेरिकन ट्विस्टर का लोगो। बट ठीक है इसके अंदर आपको सेम इस तरीके से जो पहला हमारा बॉक्स था उस बॉक्स का जैसा ही अंदर के तरफ में दो कंपार्टमेंट है। ऊपर का थोड़ा सा बड़ा है और नीचे का थोड़ा सा छोटा है। अब जो नीचे का तरफ जो कंपार्टमेंट है वहाँ पे आप जो है पिज्जा रख सकते हो, पिज्जा और जो केक आता है वो रख सकते हो, ताकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा हले मत, इस तरीके से रख सकते हो। और ऊपर की तरफ आप खाना रख सकते हो। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ, ऐसे भी होता है कि रेस्टोरेंट से आपको ज़्यादा ऑर्डर मिल जाता है, ज़्यादा ऑर्डर मीन्स 5-6 थाली मिल जाता है, 7-8 बिरयानी मिल जाता है, ऐसे में वो बॉक्स मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है, उसको आप रखोगे कहाँ, ऐसे में आपको तकलीफ वहीं पे रहेगा। तो वो वाला जो बॉक्स है उसके अंदर रख नहीं पाओगे, तब आपको सामने लेके कैरी करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और जोमेटो का मैं पहली बार से बोल रहा हूँ, ये जो बॉक्स या फिर बैग बनाने का जो तरीका है, अगर वो अभी जो हमारा बैग है ना, अभी हमारे पास जो जोमेटो का बैग है उसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, मतलब ऊपर से ओपनिंग कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, अगर आप ऊपर से ओपनिंग का ऑप्शन भी देंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके अंदर आप कुछ भी मतलब 2-3-4 कंपार्टमेंट कर दो, आराम से कर सकते हो। उसके ऊपर ढकना रखने के लिए और एक कुछ रख सकते हो, तो वो ऑप्शन आप जोमेटो कर सकते हैं। बट जोमेटो किस लिए ये जो सिस्टम नहीं बना रहा है, कभी भी देखो यार साइड से बना रहा है, मतलब साइड वाला ओपनिंग, इधर से ओपन करो। क्या यार, ओपनिंग अगर ऊपर से होता है तो बहुत ही अच्छा हमें उसका एक्सपीरियंस होता है, ये समझता ही नहीं जोमेटो। उसके बारे में और कुछ बोलने का नहीं है क्योंकि मेरे पास बैग नहीं है, कोई एक नया बंदा लिया था उसको ही पूछ रहा हूँ, भाई एक्सपीरियंस बताओ, कुछ बताओ, बात ही नहीं कर रहा है, मतलब इतना स्टाइल मार रहा है कि उसके पास पहले आया है। जैसे कि हमारे पास पहला होता था तो उसके पास पहला आया है, बंदा 10-15 दिन काम नहीं कर रहा था, अचानक काम में आया तो जो ऑर्डर जो है उसको देखा आईडी ब्लॉक है, कुछ ऐसा है, तो टीएल को बात किया, टीएल बोला ठीक है एक बॉक्स लगा लो और उसमें तुम्हारा आईडी भी ओपन करके देता हूँ। तो बॉक्स भी लगा लिया, आईडी भी ओपन हो गया, घर के पास डिलीवरी भी आया, उसको पूछा वो ठीक से बात भी नहीं कर रहा है कि यार क्या उसका प्रॉब्लम हो रहा है, क्या उसका दिक्कत आ रहा है, क्या अच्छा ही है। वो बोला देखते हैं 4-5 दिन 10 दिन यूज़ करके, अगर अच्छा नहीं लगा तो उसको निकाल के पहले वाला जो जोमेटो बैग है उसको रख लेंगे। बट थिंग इज आपको 550 रुपये उसका आपको पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर का जोमेटो का लोगो भी है, ऐसे में आप उसको आपका खुद के लिए यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। और एक बात है कि वहाँ पे पीछे की तरफ जो है डिलीवरी बैग के जैसा बना है, मतलब स्ट्रिप जो रहता है ना उस तरीके से बना है, ताकि उसको आप लेके कहीं पर घूमने, मतलब आपके काम में कहीं पर लगा नहीं सकते। बाकी का ऊपर की तरफ अमेरिकन ट्विस्टर है और साइड की तरफ प्लास्टिक का एक मतलब जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, देखने में अच्छा लगता है,
बट हमारा डिलीवरी काम के लिए उतना अच्छा फील नहीं होता है। तो अंदर का जो दो कंपार्टमेंट है अगर उसको निकाल दिया तो एक कंपार्टमेंट बन जाता है, उसमें ही तकलीफ होता है। बट अगर वो उल्टा करके ऐसा रखता था, मतलब ऊपर का ओपनिंग होता था, बहुत ही बेहतरीन होता था। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों गाइस ये जो वीडियो था थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आया होगा। और जोमेटो वाला से अगर कोई भी कंपनी वाला वीडियो देख रहा है यार, अपना नेक्स्ट टाइम में जो भी कुछ बॉक्स बैग का जो भी आप लोग एक्सपीरियंस करो तो प्लीज़ यार ऊपर का ओपनिंग करने की कोशिश करो। दोस्तों कैसा लगा आपको ये नया वीडियो इस जोमेटो बॉक्स के बारे में, आप लोगों का फीडबैक जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप टीचिंग। थैंक यू, बाय बाय।